पीएम मोदी के जन्मदिन पर कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी व वंदना इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने खास अंदाज में दी बधाई। इस खास अवसर पर कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन और वंदना इंटरनेशनल स्कूल द्वारका नई दिल्ली के प्रतिभाशाली छात्रों ने भावनाओं से भरपूर स्वरचित गीत के माध्यम से भारत के गौरव प्रधानमंत्री मोदी जी को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथ ही स्कूल के चेयरमैन श्री वेद टंडन जी ने भी प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी है। मोदी जी का नाम देश में जन जन का विश्वास है। मोदी जी का नाम देश में जन जन का विश्वास है। प्रगति पथ पर जिसने पग पग रच डाला इतिहास है। प्रगति पथ पर जिसने पग पग रच डाला इतिहास है। प्रधानमंत्री मोदी हुए 72 वर्ष के। देश भर से मिल रही जन्मदिन की शुभकामनाएं। भारत के ओजस्वी व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। आज वो 72 साल के हो गए हैं। इस मौके पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से शुभकामनाओं का संदेश आ रहा है। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। दशकों बाद भारत की धरती पर चीते लौटे हैं। आपको बता दें कि मोदी जी के जन्मदिन के इस मौके पर अब बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के मद्देनजर 15 दिवसीय रक्तदान अभियान की भी आज शुरुआत हुई। पीएम के जन्मदिन पर एलजी ने किया एकीकृत खेल मैदान का उद्घाटन। जनवरी 2026 में होगा तैयार। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर द्वारका में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सह फुटबॉल स्टेडियम समेत एक एकीकृत खेल मैदान की आधारशिला रखी। आपको बता दें कि 51 एकड़ में फैले इस मैदान का निर्माण 26 जनवरी 2026 तक होगा। कन्या भ्रूण हत्या की पुख्ता जानकारी देने पर मिलेगा 1,00,000 का इनाम। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निगरानी के निर्देश। लिंगानुपात में सुधार के लिए जिले में कड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में पुख्ता जानकारी देने वालों को 1,00,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस बाबत स्वास्थ्य व संबंधित विभागों के अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित निगरानी तथा खराब प्रदूषण वाले खंडों में विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश जारी किए गए। अब हाइड्रोजन गैस से चलेगी ट्रेनें। जींद में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट, लगेगा प्लांट। आने वाले दिनों में रेलगाड़ी भी डीजल व बिजली जैसे परंपरागत ईंधन पर नहीं हाइड्रोजन गैस से चलेगी। इसके लिए जींद जंक्शन पर वॉशिंग लाइन के साथ ही करीब 2000 गज जगह में हाइड्रोजन प्लांट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना पर 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव फिर से टले, अब दिवाली के बाद संपन्न होने की आस। हरियाणा में 1.5 साल से अधिक समय से पंच, सरपंच और जिला परिषद व ब्लॉक समितियों के सदस्य बनने के सपने देख रहे लोगों को अभी चुनाव के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल हरियाणा में पंचायती राज चुनाव और आगे टल गए हैं। अब दिवाली के बाद 30 नवंबर तक चुनाव होने की उम्मीद की जा रही है। सरकार आरक्षित सीटों का ब्यौरा मुहैया नहीं करा पाई, इस कारण राज्य चुनाव आयोग ने पूर्व में तय समयावधि के भीतर चुनाव कराने में असमर्थता जताते हुए 30 नवंबर तक का समय मांगा है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।